हाय गाइस, क्रिएट योर ओन फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लीट वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, इसलिए मैंने ये कॉटन का 3 मीटर फैब्रिक लिया है। अब इस कुर्ती के लिए आवश्यक मेजरमेंट देखते हैं। फुल लेंथ, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, बस्ट पॉइंट, बस्ट राउंड, वेस्ट लेंथ, वेस्ट राउंड, घेरा लेंथ। इसमें से मैंने बॉडी पार्ट के लिए ये कट करा है। लोअर पार्ट की लेंथ लिए 15.5 इंच, शोल्डर लिया है 7 इंच, आर्म होल लिया है 7.5 इंच। यहाँ हम आर्म होल की लाइन बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे चेस्ट लाइन बनाएंगे। हम 10.5 इंच पर बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ पे, और यहाँ बस्ट राउंड की लाइन बनाएंगे। यहाँ पे 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। वैसे ही बस्ट राउंड का भी सेम मेजरमेंट है, 9.25 इंच पे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। वेस्ट राउंड है 8.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इसको हम शेप देंगे यहाँ पे, और नीचे कमर तक लाइन बनाएंगे यहाँ पे। आर्म होल का शेप देंगे, इसलिए पहले शोल्डर स्लोप लेंगे 1/2 इंच और इस लाइन का सेंटर निकालेंगे और अंदर की तरफ 1/2 इंच लेंगे और फ्रेंच कर्व के हेल्प से इसको शेप देंगे यहाँ रख के ऐसे, और ऊपर भी यहाँ जॉइन करेंगे ऐसे। अब बैक आर्म होल का शेप, उसको सेंटर तक ही करना है ऐसे। अब नेक विड्थ लेना है, नेक विड्थ है 3 इंच और यहाँ से शोल्डर स्लोप की लाइन बनाएंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे कट करना है। सबसे पहले वेस्ट लेंथ से हमें ऊपर 1 इंच लेना है और गोलाई में शेप देना है। अब इसकी कटिंग करनी है। यह हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम शोल्डर स्लोप की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसके लिए इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोल के फिर इसकी कटिंग करेंगे। यह हमारा फ्रंट आर्म होल है, इसको हम कट करेंगे यहाँ से। हमारी अब अपर पार्ट की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। घेरे की लेंथ है 31.5 इंच। कपड़ा लेके बाकी का बचा हुआ कपड़ा जो मैंने फोल्ड किया हुआ है वो कट करेंगे। यह है 30.5 इंच। यह हमारा फोल्ड किया हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। ये मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक बाजू में रख देती हूँ। अब हम इस घेरे के 2 पार्ट करेंगे, यहाँ से उसको कट करेंगे। यह हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है। मशीन के ऊपर हम अब इसको चुन्नट देंगे। हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये विड्थ में है 9 इंच, लेंथ है इसकी 12 इंच। 5 इंच कैप हाइट ली है और यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। स्लीव्स की विड्थ है 7 इंच, तो मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे तिरछे में लाइन बनाएंगे, और इस लाइन का सेंटर पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे, और इसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसका भी निकालना है सेंटर पॉइंट। अब ऊपर की तरफ 1/2 इंच, यहाँ भी ऊपर की तरफ 1/2 इंच, और यहाँ पे 1/4 इंच ऊपर और नीचे लेना है। और अब मैं स्लीव्स को शेप दे रही हूँ। ये बैक आर्म होल का शेप है यहाँ से, और ये फ्रंट आर्म होल का शेप हुआ। हमारे स्लीव्स राउंड का हाफ है
5.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन, और इसको ऊपर से नीचे जॉइन करना है ऐसे। इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से नीचे तक। अब हम इसको खोल के फ्रंट आर्म होल का शेप कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हमें इसको खोल के ही करनी है। अब हम बेल की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और उसके ऊपर स्लीव्स रख के यहाँ से मार्क करना है। लेंथ लेनी है 4.5 इंच, पूरे गोलाई में 4.5 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे ऐसे, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी बेल की कटिंग हो चुकी है। पार्ट के लिए अस्तर भी कट करके लिया है। ये मैंने फ्रंट और बैक के लिए 2 अस्तर कट करके लिया हुआ है। अब हम इसके नेक बनाएंगे। नेक विड्थ है 3 इंच और यहाँ 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और बॉक्स बनाएंगे, और नीचे 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। अब हम इसको गोलाई में शेप देंगे ऐसे, और नीचे भी गोलाई में शेप देना है ऐसे। हमारा फ्रंट नेक ऐसा बना है। बैक नेक बनाएंगे। 3 इंच इसकी विड्थ है और 4 इंच इसकी लेंथ है। यहाँ बॉक्स बनाकर फिर इसको गोलाई में शेप देना है ऐसे। अब ये अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हमें नेक को ऐसे स्टिच करना है। मैंने फ्रंट नेक के लिए 2 डोरी बनवाई है, उसको यहाँ ऐसे एडजस्ट करके फिर नेक को स्टिच करना है। डोरी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस नेक को हमें ऐसे स्टिच करना है। तो अब मशीन पे, तो चलो अब हम इसको स्टिच करते हैं। ये नेक बन के बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको कोने में बहुत ही धीरे धीरे स्टिच करना है, क्योंकि नीचे हमारी डोरी है, कहीं डोरी निकल ना जाए, इसलिए इसको धीरे धीरे स्टिच करना चाहिए। नीचे वाली डोरी का ध्यान रख के हमें ये स्टिच करना है पूरा नेक। इसको अच्छे से गोलाई में स्टिच करना है। यहाँ पे कोने में हमारी डोरी है, यहाँ पे अच्छे से स्टिच करना है। नेक हमें स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही सिलना है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। यह हमारा नेक अभी स्टिच करके रेडी हुआ है। अब हम नेक को यहाँ से ऐसे कट करेंगे और फिर छोटे छोटे नॉच देके इसको पलटेंगे। अब हम इसका नीचे वाला पार्ट कट करेंगे, इसको धीरे से कट करना है। अब हम इसको छोटे छोटे नॉच देके इसको पलटेंगे। अब हम इसको पलटेंगे ऐसे। तैयार होने के बाद हमारा नेक ऐसे दिखता है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। नेक को भी रेडी करेंगे कट करके। ये हमारे अपर पार्ट दोनों तैयार हुए हैं। अब हम इसको घेरा अटैच करेंगे। इसके ऊपर ये फैब्रिक रख के इसको
प्लेट देके उसको अटैच करना है ऊपर के पार्ट को, ऐसे छोटे छोटे चुन्नट देके इसको अटैच करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को घर अटैच कर रहे हैं। अब हम इसको ऐसे प्लीट देके थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टिच करना है। हमें ऐसे प्लीट देते हुए स्टिच करते जाना है, पूरा घेरा जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हमें प्लीट देना है। बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है ये कुर्ती, बहुत ही प्यारा लुक देती है हमें। हमें इसे प्लीट देते जाना है। यह हमारा फ्रंट पार्ट अब चुन्नट देके रेडी होगा। अब हमें इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार करना है। यह हमारा फ्रंट वाला पार्ट चुन्नट देके रेडी हुआ। यह हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनके रेडी है। इसी तरह मैंने बैक वाला पार्ट भी रेडी करा है। यह हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर रख के इनके शोल्डर जॉइंट करेंगे ऐसे यहाँ से। अब मैं इनके शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ। दोनों शोल्डर इसी तरह जॉइंट करने हैं। मैं इसको डबल सिलाई दे रही हूँ। इसी तरह से इसका दूसरा वाला शोल्डर भी जॉइंट करना है। अब मैं इसका दूसरा वाला शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ। यह हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। हम नेक के ऊपर टॉप स्टिच देके स्लीव ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स को बेल ज्वाइन करी है और बेल को नीचे से टू फोल्ड किया हुआ है। अब हम नेक के ऊपर टॉप स्टिच देंगे ऐसे, बिल्कुल किनारे किनारे, नेक के किनारे किनारे टॉप स्टिच देनी है। पूरे नेक में हमें ऐसे टॉप स्टिच देनी है। अब हम ये बैक के नेक के ऊपर टॉप स्टिच दे रहे हैं। ये हमारी टॉप स्टिच देके हो चुकी है। अब हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। ये मैं फ्रंट साइड से स्लीव्स स्टिच करते जा रही हूँ ऐसे। स्लीव्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम आराम से लगाना है। स्लीव्स पूरी तरह से स्टिच करके होने के बाद हमें इसके ऊपर और एक सिलाई लगानी है। इस स्लीव्स की तरह ही दूसरा स्लीव्स भी हमें स्टिच करके लेना है। हमारा स्लीव्स स्टिच करके हो चुका है, इसी तरह हम दूसरा भी लगाएंगे। दोनों स्लीव्स लगा के हो चुके हैं। अब मैं डोरी को ये फैब्रिक के लटकन लगाऊंगी। इस लटकन को ऐसे उल्टा रख के यहाँ पे स्टिच करके इसको पलट देना है। हमें कुर्ती को दोनों साइड से स्टिच करना है, स्लीव्स से लेके घेरे तक। लटकन को डोरी के ऊपर रख के ऐसे स्टिच करना है और बाद में पलटना है। मेरे दोनों लटकन लगा के हो चुके हैं।
अब कुर्ती को दोनों साइड से बंद करेंगे स्लीव्स से होते हुए नीचे घेरे तक। जहाँ पे हमारा फिटिंग का मार्क लगा हुआ है उस लाइन के ऊपर से स्टिच करते हुए नीचे तक जाना है। पूरे घेरे तक हमें दोनों साइड से स्टिच करना है। जो हमारा फिटिंग का मार्क है उस मार्क के ऊपर से ही हमें स्टिच करते हुए नीचे घेरे तक जाना है और हमें पूरा घेरा स्टिच करना है। ये हमारी एक साइड स्टिच करके कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी साइड भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से एडजस्ट करके स्टिच करना है। मैं घेरे को भी 1 इंच मार्जिन छोड़ के स्टिच कर रही हूँ। ये हमारी एक साइड कंप्लीट हुई है, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कंप्लीट करेंगे। ये हमारी कुर्ती दोनों साइड से स्टिच करके हो चुकी है। अब हम इसके घेरे को नीचे से डबल फोल्ड करेंगे। ये मैंने घेरे को नीचे से डबल फोल्ड करके ले लिया है। यह हमारी कुर्ती अब पूरी तरह से रेडी है। पहनने के बाद हमारी कुर्ती का लुक ऐसे आता है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।